बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जो है हमारा, अभी हम प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं अबाउट इनपुट डिवाइसेस, और लास्ट लेक्चर में हम पॉइंटिंग डिवाइसेस को डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने देखना है कि स्कैनिंग डिवाइसेस कौन कौन से हैं और किस तरह से हम उन्हें कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करवाते हैं, क्या उनका फंक्शन है, किस तरह से डेली बेस्ड लाइफ में हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्कैनिंग डिवाइसेस की। जो मेजर टाइप्स हैं जो हमारे पास गिवन है वो हैं बारकोड रीडर, नंबर वन बारकोड रीडर, MICR, दिस इज सेकेंड टाइप, और हम इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक रिकग्निशन करैक्टर रिकग्निशन। ठीक है, MICR सेकेंड डिवाइस। थर्ड पे है हमारे पास OMR, और इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। ये हमारे पास थ्री टाइप्स स्कैनिंग डिवाइस के। फोर्थ टाइप है हमारे पास OCR। OCR को हम बोलते हैं ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन। देन है हमारे पास मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स स्मार्ट कार्ड्स फैक्स मशीन इमेजिंग सिस्टम। सो हमारे पास जो आपकी बुक में गिवन है वो स्कैनिंग डिवाइसेस की टोटल 8 टाइप्स हैं, जिनको हम वन बाय वन देखेंगे कि किस तरह से ये काम करती है। नंबर वन है हमारे पास बारकोड रीडर, नंबर टू है MICR, नंबर थ्री है OMR, नंबर फोर है OCR, नंबर फाइव है मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स, नंबर सिक्स है स्मार्ट कार्ड्स, नंबर सेवन है फैक्स मशीन, नंबर एट है इमेजिंग सिस्टम्स। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास 8 स्कैनिंग डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास बार कोड रीडर का क्या फंक्शन है और हम इसे किस तरह से कंप्यूटर के अंदर यूज़ कर रहे हैं। बार कोड आर द वर्टिकल ज़ेब्रा स्ट्रिप मार्क्स, ये इसकी डेफिनेशन है। द वर्टिकल ज़ेब्रा स्ट्रिप्ड मार्क्स वी फाइंड on most of manufactured products in the market barcode
readers. Translate. Barcode symbols. Into digital code. Which is add on computer for use. So ये हमारी first type है barcode readers. Barcode readers are basically vertical zebra stripped marks we find on most of manufactured products in the market. अब barcode readers जो हैं वो ऐसी devices हैं जो barcode को read करती हैं. Barcode हमारे पास क्या है? वो कुछ stripped lines हैं, ठीक है? Vertical lines हैं जो different products के ऊपर आपको मिलती हैं. Like आप कोई भी जिस तरह ये Unilever है, इसकी products हैं जिस तरह से आप कोई soaps purchase करते हैं, shampoos हैं, even कि कोई भी चीज़ है आप किसी भी market में जाते हैं या किसी store पे जाते हैं तो आपको आपके सामने वो एक vertical machine के ऊपर आपकी प्रोडक्ट को स्कैन करते हैं और देन उसके ऊपर कुछ वर्टिकल लाइंस गिवन होती हैं, ठीक है? उन वर्टिकल लाइंस को मेनली बारकोड बोला जाता है और बारकोड रीडर वो डिवाइस आपके सामने जो उस लाइन को रीड करता है और उस लाइन को इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल डाटा कन्वर्ट करता है और देन वो डिजिटल डाटा आपके कंप्यूटर के ऊपर सेफ होता है और आपके फर्दर यूज के लिए जो है वो अवेलेबल हो जाता है. इसी तरह से आप कोई भी मॉल विजिट करें या कोई भी मार्केट तो आप अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर वो जो बारकोड लाइंस हैं उनको इजीली इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट नंबर, इन द फॉर्म ऑफ देयर सेलिंग वैल्यू, हर चीज जो है वो आप अपने कंप्यूटर के ऊपर उसको बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? तो ये एक स्कैनिंग डिवाइस है जिसकी मदद से हम मेनली बारकोड को रीड करते हैं और अपने डेटा को स्टोर करते हैं. सेकेंड जो हमारे पास टाइप है वो है MICR. MICR हम देख लेते हैं. MICR जैसे मैंने यहां पे मेंशन किया था कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्निशन. सो MICR को जो डिफाइन किया गया है ये है बेसिकली इट इज मेथड ऑफ मशीन रीडिंग कैरेक्टर्स विच आर प्रिंटेड विद which are printed with magnetized ink are read by MICR. जी सो जो हमारे पास MICR है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन. तो मेनली ये जो डिवाइस है हमारे पास ये यूज होती है टू रीड
टेक्स्ट दैट इज प्रिंटेड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक इंक, वो टेक्स्ट जिसको मैग्नेटिक इंक की मदद से प्रिंट किया जाता है ऑन पेपर, उस पेपर को, उस टेक्स्ट को रीड आउट करने के लिए हम MICR का यूज करते हैं. ठीक है, देन हम लोग देखते हैं अपनी थर्ड डिवाइस, दैट इज OMR. याद रखें कि ये सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस हैं. अभी तक हम लास्ट प्रीवियस टू लेक्चर से इनपुट डिवाइसेस को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने पॉइंटिंग डिवाइसेस पढ़ा था और करंटली हम लोग स्कैनिंग डिवाइसेस पढ़ रहे हैं. और स्कैनिंग डिवाइसेस में ये अभी हम स्कैनिंग डिवाइसेस की कुछ टाइप्स को स्टडी कर रहे हैं. और टाइप है अब हमारे पास OMR. OMR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल रिकग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन. ये डिवाइस काम किस तरह से करती है जी? दिस डिवाइस यूजेस अ लाइट बीम. दिस डिवाइस यूजेस अ लाइट बीम टू स्कैन इनपुट डेटा to convert it into electrical digital data. Which are then sent computer for further processing. ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे पास पिछले जो डिवाइस थे बार कोड MICR, ये दोनों डिवाइसेस भी डाटा को बेसिकली डिजिटल डाटा में कन्वर्ट कर रही थी बाय टेकिंग दैट डाटा फ्रॉम एनी टाइप, आइदर इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल लाइंस है या हमारे पास कोई भी फॉर्मेट है, तो उसको वो डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करती थी. इसी तरह से जो OMR है उसको हम ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन बोलते हैं. और इस डिवाइस का बेसिकली काम क्या है, ये किस तरह से काम करती है कि एक लाइट बीम को अपनी जो भी जिस भी डेटा को हमने कन्वर्ट करना है उस डेटा के ऊपर लाइट बीम पड़ती है, उस लाइट बीम से वो डेटा स्कैन होता है और उस डेटा को कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल डेटा में. और देन उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल डेटा को हम कंप्यूटर के पास भेज देते हैं और फर्दर उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है. इसकी सबसे बड़ी जो एप्लीकेशन है वो है आपकी जो एंट्री टेस्ट में मार्कशीट होती है उसकी चेकिंग है, वो बाय यूजिंग OMR होती है, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन के थ्रू आपके शीट्स को उस डिवाइस के अंडर गुजारा जाता है, जहां पे उसको मार्क मिल जाता है उस मार्क को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके जो भी आपका करेक्ट आंसर है फॉल्स है वो मशीन को पता होता है. इस तरह से आपकी जो नंबरिंग है मार्क्स की वो बाय यूजिंग OMR होती है. नेक्स्ट डिवाइस है हमारे पास OCR. OCR OCR को हम रीड करते हैं ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन.
recognition. अब हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से वर्किंग करता है. ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन जो है बिल्कुल उसी तरह से ये डिवाइस रीड करता है, रीड्स प्री प्रिंटेड करेक्टर्स इन ए पार्टिकुलर टेक्स्ट और फॉन्ट एंड कन्वर्ट्स दैट टेक्स्ट इनटू डिजिटल फॉर्मेट. तो इस टाइप में भी हमारे पास जो ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन है वो प्री प्रिंटेड करेक्टर्स को रीड आउट करता है, ठीक है, और उसे पार्टिकुलर फॉन्ट में स्टडी करने के बाद वो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है डिजिटल टेक्स्ट में और कंप्यूटर को प्रोसीड कर देता है ताकि कंप्यूटर उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग परफॉर्म कर सके. नेक्स्ट टाइप है जी हमारे पास मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड. मैग्नेटिक मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स क्या करती हैं जी, इसमें हमारे पास कुछ स्ट्रिप्स गिवन होती हैं, स्ट्रिप्स मैग्नेटिक ऑफ मैग्नेटिकली एनकोडेड डाटा ऑन इट These devices are used for security purpose. सो स्ट्रिप्स ऑफ मैग्नेटिकली इनकोडेड डाटा ऑन इट, बेसिकली ये मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स होते हैं, उनके ऊपर जो डाटा है वो बाय यूजिंग मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक इंक और मैग्नेटिक इनकोडेड फॉर्मेट, उसके थ्रू डाटा को उसके ऊपर प्रिंट कर दिया जाता है और देन मैग्नेटिक ये कार्ड्स जो हैं ये यूज़ किए जाते हैं ऑन डिफरेंट प्लेसेस. जिस तरह से हमारे पास आईडी कार्ड है, जिस तरह से हमारे पास ड्राइविंग के लाइसेंस होते हैं, उसके ऊपर ये मैग्नेटिक कार्ड्स मेनली हम उन्हें बोलते हैं और इनको हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास है वो है स्मार्ट कार्ड्स. स्मार्ट कार्ड्स में आपके पास जिस तरह से क्रेडिट कार्ड्स हैं, ठीक है, और मोबाइल की सिम है हमारे पास, थर्ड पे हमारे पास जिस तरह से एटीएम कार्ड है, ठीक है, तो इन तमाम के तमाम कार्ड्स को भी हम स्कैनिंग डिवाइसेस बोलते हैं. ये मेनली हम डिफरेंट प्लेसेस लाइक एटीएम कार्ड्स हैं, हम एटीएम के ऊपर इनको यूज़ करते हैं, मशीन के साथ जब हम एटीएम कार्ड को एंटर करते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है और देन उस इन्फॉर्मेशन के एक्सचेंज के बाद हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट जो हमारे टाइप है वो है फैक्स मशीन. ये मशीन मेनली क्या करती है कि फैक्स मशीन स्कैन एन इमेज एंड सेंड
in the form of electrical signals over telephone lines to receive to be received by a fax machine again. ठीक है जी, इसमें मेनली क्या होता है, फैक्स मशीन के अंदर आपके पास एक मशीन, एक फैक्स मशीन एक साइड पे, सेंडर साइड पे यूज़ होती है और आपके डाटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके आपके रिसीवर के पास भेज देती है और रिसीवर देन उसको एक्सेप्ट करता है और दोबारा से किस तरह से किस फॉर्मेट में एक्सेप्ट करता है कि वहाँ रिसीवर साइड पर भी हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल मशीन गिवन होती है, फैक्स मशीन जिसको हम कहते हैं, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को अगेन रिसीव करके डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देती है जिससे कम्युनिकेशन कंप्यूटर के दरमियान जो है वो प्रॉपरली डन की जाती है. नेक्स्ट है जी हमारे पास इमेजिंग सिस्टम जो कि लास्ट टाइप है स्कैनिंग डिवाइसेस की. जो इमेजिंग सिस्टम है ये मेनली कन्वर्ट करता है टेक्स्ट को, ड्राइंग्स को, एंड फोटोग्राफ्स को इनटू डिजिटल फॉर्म. ठीक है, ये मेनली क्या होता है हमारे पास कि हम जो टेक्स्ट है, ड्राइंग है या फोटोग्राफ है उसको हम डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं बाय यूजिंग इमेजिंग सिस्टम. सो पूरे को एक बार अगर मैं वाइंड अप करूं तो हमारे पास स्कैनिंग डिवाइसेस टॉपिक था और स्कैनिंग डिवाइसेस में हमारे पास नंबर ऑफ स्कैनिंग डिवाइसेस गिवन में जिसमें OMR, MICR, OCR, ठीक है, इसी तरह से जो है वो इमेजिंग सिस्टम है, हमारे पास फैक्स मशीन्स हैं, स्मार्ट कार्ड्स हैं, ठीक है, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स हैं. तो ये हमारे पास तमाम के तमाम वो डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू कंप्यूटर डाटा लेता है और डिफरेंट फॉर्मेट्स में डाटा लेके उसको चेंज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स और देन हम अपने कंप्यूटर से उसको रीड कर लेते हैं और उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए एप्लीकेबल बना लेते हैं. तो आज के लेक्चर में ही इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि हमारे पास ऑडियो और वीडियो इनपुट डिवाइसेस किस तरह से यूज होती हैं.